कई लोग ऐसे होंगे जिनके दांत जो है पीले, काले और गंदे दिख रहे होंगे, जिससे उन्हें कई दूसरे लोगों के सामने बोलने में काफी हेजिटेशन होती होगी, शर्म आती होगी, अपने मुंह को ढंग से खोल नहीं पाते। जब भी हंसते हैं मुंह पे हाथ रख के हंसते हैं, क्योंकि दूसरे सामने वालों को ये पता नहीं लग जाए कि हमारे दांत काले पीले हैं। तो इस सब शर्मिंदगी से बचने के लिए क्या किया जाए कि जो आपके दांत जो है काले पीले, जो बिल्कुल मोती की तरह चमकदार हो जाए और बिल्कुल सुंदर दिखने लगे। तो आज उसी टॉपिक पे हम बात करेंगे, उसी टॉपिक पे ये वीडियो है। तो हमारे वीडियो में आप आगे बढ़ें उससे पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों आज मैं आपको एक होम रेमेडीज बताने जा रहा हूं, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके घरों में वो चीजें मिल सकती है और उसके लगाने के बाद बहुत ही जल्द आपके जो बाल, जो आपके दांत है बिल्कुल मोती की तरह चमकने शुरू हो जाएंगे। और भी आपको जो दांतों से जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगी, जैसे मुंह में बदबू आना और भी मसूर से ब्लड आना, इस तरीके से और भी जो प्रॉब्लम होगी वो भी आपको बहुत जल्द इससे ठीक हो सकती है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे घर में सबों के पास घर में आपको नमक होगा, यानी कि सेंधा नमक। तो आपको क्या करना है, एक कटोरी में, एक बाउल में आपको एक चम्मच सेंधा नमक, जैसा देख रहे हैं सेंधा नमक लेनी है, साथ ही साथ एक चम्मच हल्दी लेना है, यानी सेम क्वांटिटी में आपको दोनों लेनी है। साथ ही साथ मस्टर्ड या ऑयल यानी कि सरसों का तेल जो है आपको आधा चम्मच लेना है। तीनों को आपको मिक्स कर देनी है, अच्छी तरह से पेस्ट बनानी है। मॉर्निंग में जब आप अच्छी तरह से ब्रश कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रश पे या फिर उंगलियों पे डाल के जो तीनों को जो आपने पेस्ट बनाया है उससे अच्छी तरह आपको जो पूरे दांतों में, मसूरों में अच्छी तरह से इसको अप्लाई करनी है। 2-3 मिनट यानी 5 मिनट तक मैक्सिमम आप इसको लगा के छोड़ देना है। फिर उसके बाद उसको अच्छी तरह से आप इसे वॉश करनी है। इसे आप इस प्रक्रिया का आपको सुबह और शाम 2 बार करें और कंटिन्यू इसे 15 से 20 दिन करें। तो आप देखेंगे आपकी जो भी दांत काले पीले और यानी कि बदबूदार आपका जो मुंह है, इस तरीके से जो आपकी जो प्रॉब्लम है बहुत ही जल्द आपको निजात से मिल सकती है। और ये बिल्कुल ही नेचुरल है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट जो है अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। साथ ही साथ एक काम और कर सकते हैं, अगर आपके घर में एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका है, तो आप उसे हफ्ते में 2 या 3 बार इसे कुल्ला कर सकते हैं, तो आपकी जो प्रॉब्लम है बहुत ही जल्द ठीक हो सकती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ लाइक करना बिल्कुल न भूलें। तो आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।